दोस्तों आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ में और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सिस बैंक के अंदर किस प्रकार से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सिस बैंक आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराता है जो कि आपको कोई नहीं बताता। एक्सिस बैंक की तरफ से टोटल आप 6 बैंक अकाउंट ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें डिजिटल तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं, जिसमें से MX सेविंग्स अकाउंट, EG एक्सेस सेविंग अकाउंट, लाइबिलिटी सेविंग अकाउंट, प्रेस्टिक सेविंग अकाउंट, प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट, बर्गंडी सेविंग अकाउंट, इन बैंक अकाउंट को आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। लेकिन इन बैंक अकाउंट्स के अंदर आपको ज़्यादा पैसे मेंटेन करना पड़ेगा। अब अभी हमने आपको बताया कि एक्सिस बैंक की तरफ से एक आपको पहला सेविंग अकाउंट मिलता है जो कि है MS सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर आपको 1 रुपया मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। ये पेवर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको फिजिकल डेबिट कार्ड और चेकबुक प्रोवाइड कराया जाएगा, जिनका आपको कोई भी चार्ज ना तो इशू करने का चार्ज पे करना पड़ेगा और ना तो यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। एक्सिस बैंक के अंदर ये वाला अकाउंट ओपन करने के लिए 2 टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मिल जाते हैं। इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको जरूर देखना, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, हम आगे बात करें। और साथ ही साथ दोस्तों एक्सिस बैंक के अंदर जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके माध्यम से बड़ी इजीली तरीके से आप गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और इसके साथ में एक्सिस बैंक की तरफ से जितनी भी आपको बैंकिंग वाली एप्लीकेशन मिलते हैं उनको भी दोस्तों आप बहुत इजीली तरीके से रन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर MX सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, जैसे कि Amazon के अंदर आपको 3 महीने की मेंबरशिप मिल जाएगी, स्विगी के अंदर भी आपको 3 महीने की मेंबरशिप मिल जाएगी। साथ ही इस अकाउंट के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको 5 लाख रुपए का मिलेगा, एयर एक्सीडेंट कवर आपको 1 करोड़ रुपए का मिलेगा और परचेज प्रोडक्शन यहाँ पर 50,000 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से हम जानने वाले हैं कि एक्सिस बैंक के अंदर हम एक जीरो बैलेंस अकाउंट किस प्रकार से ओपन करेंगे, कैसे दोस्तों वीडियो के वाई सी को कम्प्लीट करेंगे और कैसे अपने बैंक अकाउंट को हम एक्टिवेट करेंगे। इसका पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सिस बैंक में हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने वाले हैं। अब एक्सिस बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप इस पेज पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि एक्सिस बैंक की तरफ से टोटल आपको 6 प्रकार के बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये सारे अकाउंट को आप ऑनलाइन डिजिटल तरीके से ओपन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम MS सेविंग्स अकाउंट ओपन करने का आपको पूरा हम प्रोसेस बताने वाले हैं। तो MS सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप MS सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो 3 महीने के लिए Amazon प्राइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, जिसकी कीमत 599 रुपये है। यहाँ पर देख सकते हैं गेट बुक माई सोप मूवीज पैकेज, ये आपको मिल जाएगा। इसकी कीमत लगभग 4,000 रुपये होती है, बल्कि आपको मात्र 400 रुपये में ही डिस्काउंट करके मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर स्विगी डाइन आउट वाउचर आपको 5,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा और यहीं पर 3 महीने के लिए स्विगी की मेंबरशिप भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राइड पैकेज आपको ऊबर में 500 रुपये का मिल जाएगा। ये सारे आपको इसके अंदर ऑफर देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पर बाकी डेबिट कार्ड और इसके डेबिट कार्ड कार्ड के ऊपर रिवार्ड पॉइंट और यहाँ पर किसी भी मर्चेंट पर अगर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो उस पर भी आपको अच्छे खासे ऑफर देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं ओपन MS अकाउंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से जो हम MS सेविंग्स अकाउंट ओपन करने वाले हैं यहाँ पर कुछ आपको डिसएडवांटेज पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। अब सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफिकेशन आपका कराया जाएगा, तो इस वाले कॉलम में अपने पेन नंबर को टाइप करेंगे, इस वाले कॉलम में मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे और अपना आधार नंबर इस वाले बॉक्स में टाइप कर देंगे। इस वाले बॉक्स पर आप चेकआउट करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बैंक की तरफ से आपको कंसेंट देना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और इसके बाद में कन्फर्म OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फाइनली इसके बाद में आधार के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका फोटो, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का वेरीफिकेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इसके बाद में कन्फर्म OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फाइनली हमारा मेल आईडी का वेरिफिकेशन हो चुका है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप मैरिड है फिर अनमैरिड है सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्या काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड का ऑप्शन मिल जाएगा,
यानी कि आपके पास जो फंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहीं पर आपके एक साल की इनकम दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है एक साल में जो भी आप पैसे कमाते हैं आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं नीचे पूछा जा रहा है, क्या भैया आप इंडिया के बाहर टैक्स तो पे नहीं करते हैं? तो बिल्कुल हम पे नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम एस करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पिताजी का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर पिताजी का लास्ट नेम टाइप करेंगे और जो भी पैन कार्ड पर नाम है वही नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर माताजी का फर्स्ट नेम और माताजी का लास्ट नेम टाइप करेंगे। इसके बाद में अगर आपको बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनी को ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने कुछ नए कॉलम ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर नॉमिनी का और अकाउंट होल्डर का रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर टाइप करेंगे और अगर अकाउंट होल्डर का और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस फिल करना नहीं पड़ेगा और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अकाउंट ओपन करने का जो हम अभी रिसेंट में प्रोसेस बता रहे हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दो मिल जाती हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि अगर आप MS सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पर या तो 200 रुपये मंथली पे करना पड़ेगा या तो फिर ईयरली आप 2200 रुपये पे कर सकते हैं। दोनों में से एक आपको काम जरूर करना पड़ेगा वरना यहाँ पर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 5000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा अगर आप MS सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। अगर अदर कोई भी अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 5000 रुपये से 25000 रुपये या फिर 5 लाख रुपये तक की इनिशियल फंडिंग करना पड़ सकता है। तो अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो देखना क्या है, वीडियो को पूरा देखना। बाय द वे अगर आप नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों जब आप नॉमिनी को रिमूव करेंगे तो आप यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपसे एक रीज़न पूछा जाएगा क्यों आप अपनी नॉमिनी को हटाना चाहते हैं, क्यों नहीं नॉमिनी का ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई आपका पर्सनल रीज़न है तो इस वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और अपना पर्सनल रीजन को टाइप करेंगे और इसके बाद में आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में देखेंगे हमारी पूरी डिटेल्स यहां पर फिल हो चुकी है और अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड करने का भी ऑप्शन हमारे सामने हट चुका है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि परमानेंट रेजिडेंट टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप किराए से रहते हैं तो एग्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका खुद का मकान है तो आप यहां पर ऑनर सेलेक्ट करेंगे। आपका ब्रांच ऑटोमेटिक यहां पर ले लिया जाएगा जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर बाय द वे आप अपनी ब्रांच का नाम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस ब्रांच के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना है ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अभी तक की जो दोस्तों आपने पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल किया है सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर आपको अकाउंट के अंदर कोई भी दिक्कत है तो आप अभी एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप यहां पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद में आपका यहां पर पेज कुछ इस प्रकार से रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपसे KYC करने के लिए बोलेगा। जब आप KYC को करेंगे तभी आपका अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिवेट होगा। अब KYC करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड, वाईफाई और यहाँ पर आपके रूम में लाइटिंग और नॉइस नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास एक ब्लैंक पेपर भी होना चाहिए। तो KYC करने के लिए कनेक्ट टू एन एजेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट टू एजेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बैंक की तरफ से एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे। देन यहाँ पर आपकी KYC को कंप्लीट करेंगे। KYC के दौरान आपका यहाँ पर ओरिजिनल पैन कार्ड देखेंगे, आपका यहाँ पर सिग्नेचर करवाएंगे, आधार कार्ड को भी देख सकते हैं और कुछ आपकी बेसिक जानकारी पूछेंगे। इसके बाद में फुल KYC आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एक्सिस बैंक के अंदर आपका MS सेविंग्स अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर जानकारी समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।